हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बहुपद प्रश्नावली 2.4 6 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में ये बहुपद है, त्रिघात बहुपद। ये बहुपद त्रिघात है, यानी इसका अधिकतम घात 3 है। और इसके साथ संख्याएं दी गई है, ये 1/2, 1-2, फिर यहाँ पर ये 2, 1, 1, ठीक। ये दोनों बहुपद हैं, त्रिघात बहुपद। ये जो संख्याएं दी गई हैं, इसकी मतलब इसकी शून्यक है कि नहीं है? ये जो त्रिघात बहुपद है, इसकी ये संख्याएं शून्यक है कि नहीं है, इसे हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। फिर यह भी पता करना है कि जो शून्यक है और गुणांक है, उनके भी संबंध को भी सत्यापित करना है। शून्यक तो ये हो गए, और गुणांक कौन होता है, तो x के सामने जो है जिसका गुणा हुआ है, और ये भी आ जाता है गुणांक में, तो इनका इनके भी संबंध होता है क्या, उसको भी जांच करना है, सही है कि गलत। अच्छा, एक और बात, त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक आएंगे, तो हम उनको व्यापक रूप से अल्फा, बीटा और गामा से दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग px मान लेंगे, p पॉलिनोमियल होता है, इसका मतलब बहुपद। x होता है कि पॉलिनोमियल में x पद शामिल है, ठीक है। अब हमें जांच करना है कि 1/2 इसका शून्यक है कि नहीं। तो शून्यक का मतलब ये होता है कि वो पद अगर इस समीकरण में डाल दिया जाए तो इस पूरे पद को शून्य कर देगा, इसलिए उसका नाम पड़ेगा शून्यक। तो अगर इसको रखने पर इसका मान 0 आता है तो समझ लीजिए हाँ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर 1/2 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे p 1/2, और जहाँ जहाँ x क्यू है वहाँ वहाँ x के जगह पे हम लोग 1/2 रख देंगे। तो हम इस प्रकार लिख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2, घात 3 है 3, 2 है 2, 1 है 1, चल गुणा करते हैं। 1 का घात कुछ भी आए, मान 1 ही होता है, तो ये तो 1 ही रह जाएगा। हाँ, ये घात बढ़ेगा, 2 का घात 3, मतलब 2×2×2, यानी 2×4×8। तो ऊपर 2 नीचे 8 कटेगा, 1/4 आएगा। डायरेक्ट लिखूँ क्या, 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2×4 माइनस 5/2 प्लस 2, सही है भाई। ये 2 8 हो जाएगा, 2 से कटेगा फिर 4 हो जाएगा। आगे हल कीजिए, ये 1/4 1 और ये 1/4 1 दोनों जुड़ जाएंगे तो भाई 2/4 हो जाएगा, 1 1 2 डबल हो जाएगा, नहीं तो आप एलसीएम लेके देख लो। तो कितना आएगा, चलिए एक ही साथ सभी को कर देते हैं ना, अच्छा रहेगा, अलग अलग करने से अच्छा है सबको एक ही साथ कर देते हैं। इसके नीचे भी 1 मांग लेते हैं और डायरेक्ट करते हैं, 4 2 2 का एलसीएम देखिए कितना आएगा। तो 4 2 से 2 गया, इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 4 लेते हैं, 4 2 एलसीएम निकालते हैं, 2 2 1, 2 1 1 गया, 2×4 एलसीएम ही आएगा इसका, बात ही ख़त्म है। टोटल 4 से 4 गया 1, 4 से 4 गया 1, माइनस 2×4 2×10 प्लस 1 × 4 4×8 ये हो जाएगा 10, है ना, नहीं 1 1 2 और 8 में जोड़ देंगे तो 10, और ये -10 +10 -10 क्या है, टोटल आ जाएगा 0। तो हम इसलिए क्या लिख देंगे, 1/2 जो है पी एक्स का एक शून्यक है, ठीक। अब हम लोग जांच करेंगे एक्स बराबर कितना पर, 1 पर। तो पी एक्स जहाँ जहाँ एक्स क्यू है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रख देते हैं, ठीक। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 1 रख दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप ले लो 1, एक से कोई लेना देना नहीं, -5 +2, तो
दो एक तीन दो पाँच हो जाएगा कि नहीं है, माइनस पाँच खत्म कहानी कितना जाएगा जीरो आता है, एक भी इसका शून्य है ना। तो अब हम लोग एक्स बराबर माइनस दो पर चेक कर लेते हैं क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस दो रख देंगे, करके देखिए माइनस दो का तीन बार करेंगे तो दो दुना के चार हो जाएगा, तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, लेकिन अब चार गुणे माइनस दो करेंगे तो चार दुना के आठ माइनस रह जाएगा और आठ दुना के सोलह हो गया है ना। ये माइनस दो दो बार होगा चार हो जाएगा माइनस ख़त्म, ये माइनस माइनस भी ख़त्म हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और पाँच दुना के दस, ये दो जोड़ के देख लीजिए दस चार चौदह दो सोलह माइनस सोलह ख़त्म कहानी जीरो, इसलिए ये भी क्या है इसका शून्य है। अब हम लोग जाँच भी कर लेते हैं सत्यता की। अब जांच में हम क्या करते हैं कि ये जो px है इसका a b c और d का मान ले लेते हैं। अब a कहाँ होता है तो x क्यूब के आगे, b कहाँ होगा x स्क्वायर के आगे, c x के आगे और d ये खुद हो जाता है। यहाँ पे a का मान दो हो जाएगा, b का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा, c का मान यहाँ पे माइनस पाँच हो जाएगा और d का मान यहाँ पे दो हो जाएगा। और शून्यक क्या होते हैं तथा जो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा और गामा, ध्यान रहे त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं अल्फा बीटा और गामा, तो उनका मान क्या है वही ऊपर वाले जो एक बटा दो एक और माइनस दो थे वही हो जाएंगे। तो अल्फा बराबर ए हो गया, बीटा बराबर एक, गामा बराबर माइनस दो। अब पहला जाँच होता है शून्यकों का योग, ठीक, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर वही वाला नियम है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक। तो त्रिघात बहुपद के लिए शून्यक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होते हैं और ये भी माइनस बी बाई ए के बराबर होते हैं। हम क्या करेंगे अल्फा का मान रख देंगे एक बटा दो, यहाँ पर लिख दीजिए, या बीटा का मान रख देंगे एक, गामा का मान रख देंगे माइनस दो, बी का मान कितना है एक है बी का मान रख दीजिए एक, ए का मान कितना है दो। अब करना क्या है दोनों को बराबर करना है, अगर ये वाला इसके बराबर हो गया तो ये सत्य है, सत्यता की जांच हो गई, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे आगे हल कीजिए तो ये माइनस दो हो गया कोष्ठक से बाहर और एक से घटेगा तो माइनस एक आएगा और ये आधा है ये पूरा है, पूरा में से आधा घटा दिए तो आधा बचा, क्योंकि बड़ा वाला के आगे माइनस है तो आधा ही दोनों तरफ बराबर हो गया, चलिए सत्य। अब दूसरा जांच होता है शून्यकों के गुणनफल का योग, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर होता है सी बटा ए, ये है शून्यक इनका गुणनफल है और योग भी है तो ये भी निकाला जाता है इसमें। अब अल्फा का मान कितना है एक बटा दो, बीटा का मान है एक, गामा का मान है माइनस दो, सी का मान है माइनस पाँच, ए का मान है दो, इन सबको यहाँ पे हमने सबका मान रख दिया, अल्फा का मान रख दिया, बीटा का मान रख दिया, ठीक, सी का मान माइनस पाँच रख दिया। अब गुणा कर लेते हैं, एक बटा दो में एक से होगा उतना ही हो जाएगा, एक का माइनस दो में होगा माइनस दो हो जाएगा और ये माइनस दो है और ये दो है, कटा कटा माइनस एक बचा उधर माइनस पाँच बटा दो, फिर इधर ये है माइनस दो ये माइनस एक दोनों जुड़ जाएंगे माइनस तीन और ये एलसीएम लेंगे तीन दुना के छः, वन माइनस छः बटे दो आ जाएगा कितना माइनस पाँच बटा दो बराबर माइनस पाँच बटा दो, ये भी सत्य है क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो गया। और आप जानते ही हैं कि जब जीरो आया ही है शून्यक तो पक्का है कि दोनों बराबर ही होंगे, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जितना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परीक्षा में समय बचेगा, ठीक। अब तीसरा होता है शून्यकों के गुणनफल का मान, उस पर भी सत्य सत्यापित किया जाता है। तो तीसरा देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब तीसरा है तीनों शून्यकों के गुणनफल, तो ये भी एक जांच करने का तीसरा नियम है। अल्फा बीटा और गामा का मान रखते हैं, अल्फा का मान है एक बटा दो, यह है गुणे बीटा का मान है एक, गुणे गामा का मान है माइनस दो, डी का मान है दो, माइनस आगे रखा उसी को रख दिए, ए का मान भी दो है। अब इसको देखा जाए तो ये दो से दो गया, ये दो से दो गया, दोनों तरफ क्या आ जाएंगे माइनस एक,
तो यह भी क्या है, सत्य है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस दो है, और ये इसके शून्यक है कि नहीं, दो एक एक, ये जांच करेंगे हम लोग। अब चूंकि यहाँ पे भी एक है, एक है, अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है कि एक है ही तो एक क्या क्यों दिया अलग से, तो चूंकि तीन शून्यक होते हैं किसी भी त्रिघात बहुपद के, इसलिए यहाँ पे भी एक एक पर दोबारा ट्राई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर इतना लिखेंगे, और फिर हम लोग पी टू पर चेक करेंगे। अब जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ दो रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमने दो रख दिया, क्यू हो गया दो रख दिया, स्क्वायर इंटू टू, बाकी वही सब है। दो का तीन बार गुणा करेंगे, दो गुणा दो दुना के चार, चार दुना के आठ हो गया, ये चार दो दुना के चार, चौके सोलह हो गया, ये पाँच दुना के दस हो गया, माइनस दो। अब ध्यान से देखिए, आठ और ये दस अठारह हो जाएगा, ये सोलह माइनस दो अठारह हो जाएगा, माइनस में दोनों, प्लस अठारह माइनस अठारह गए, जीरो आ गया। इसलिए हम बोलेंगे कि दो पी एक्स का एक शून्य है, ठीक। अब हम लोग एक पर चेक कर लेते हैं, पी वन पे। अब एक्स बराबर एक पर चेक कर लेते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक रख दिया मैंने। अब एक का क्यों एक होगा, एक का कुछ नहीं होने वाला, कितना भी घात हो तो एक ही रहेगा। फिर चार, फिर पाँच, फिर माइनस दो कीजिए, ये एक और ये प्लस पाँच छः हो गया, और ये माइनस चार, ये माइनस दो छः हो जाएंगे, माइनस छः हो जाएंगे दोनों, और दोनों प्लस माइनस, प्लस छः माइनस छः, ख़त्म कहानी, जीरो हो गई। यानी एक भी पी एक्स का एक शून्यक है। तो तीसरा शून्यक भी एक ही है, क्या दोबारा निकालें पी एक्स पी वन? नहीं, अब दोबारा निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर साफ हो गया। तो अब क्या करेंगे, जाँच करेंगे। तो पहला जाँच होता है शून्यकों का योग, तो जांच करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस त्रिघात बहुपद का पहले ए बी सी डी का मान लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया। इसके आगे कुछ नहीं तो एक, इसके आगे माइनस चार, इसके आगे पाँच, और ये माइनस, तो डी का मान हो गया, ठीक। अल्फा का मान कितना है दिया, दो, बीटा का मान भी, बीटा का मान एक, और ये गामा का मान एक, ऊपर जो शून्य निकाले थे ना हम रख के। अच्छा, फिर अब जांच करेंगे, पहला जांच होगा शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा बराबर होता क्या है, माइनस बी बटा ए, उसको रख के जांच कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब अल्फा का मान कितना है, दो, बीटा का मान कितना है एक, गामा का मान कितना है एक, माइनस बी का मान कितना है, माइनस चार, दिखाई दे रहा है। फिर बटे ए का मान कितना है, एक। चलिए, अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो सत्य है, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उधर शून्य खो चुका है, जीरो आया था। तो ये हो गया चार, और इधर माइनस माइनस चार, हो गया कहानी खत्म, सत्य है। दूसरा होता है शून्यकों के गुणनफल का योग, जो कि आप अपने देखा अभी, तो उसे भी लिख देते हैं। दूसरा है अल्पसंख्यकों के गुणनफल का योग बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है, लिख देते हैं, दो, गुणे बीटा का मान एक, प्लस बीटा का मान एक, गुणे गामा का मान एक, प्लस गामा का मान एक, गुणे अल्फा का मान दो, बराबर सी का मान है माइनस, माइनस नहीं पाँच है, बटा ए का मान है एक। चलिए हल करते आएंगे, दो एक दो पाँच, इधर भी पाँच, इधर भी पाँच, तो यह भी सत्य है, ठीक। तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस डी बटा ए, उसे भी देख लेते हैं। तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है। रखिए अल्फा का मान दो, गामा का मान एक, नहीं बीटा का मान एक, गामा का मान एक, माइनस डी का मान कितना है, माइनस दो, बटा ए का मान एक कीजिए, इधर आएगा दो, इधर आएगा दो, तो यह भी सत्य है, ठीक। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।